मर्द को औरत कहना मर्द को के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है? और आप अपना जबान पे काबू करें, मैं और क्या कह सकता हूँ? ये जालिम हुक्मरान, इनके दिल में अवाम के लिए, मजलूम के लिए, गरीब के लिए कोई बेदर्दी नहीं। एमनेस्टी तो मिलता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, क्या गरीब अवाम को एमनेस्टी मिल सकती? वज़ीर आज़म ने बयान देकर अपना कद छोटा कर लिया। इमरान खान ने अपने बयान से ख्वातीन की तस्दीक की है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को ज़बान पर काबू रखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं बताया जाए क्या गरीब के लिए भी एमनेस्टी लाई जाएगी। औरतें हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये औरतों का मामला नहीं बना है, ये औरतों का नहीं है मामला, ये औरतों का आप ये चीज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर इस हाउस में अपोलोजाइज करें, और अगर हाउस को नहीं अपोलोजाइज करेंगे, कहां से आवाज गूंजेगी वो इमरान को पता नहीं क्या है। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल मुखालिफ बयान, कौमी असम्बली में गो इमरान गो के नारे लग गए। बोलने की इजाजत न देने पर स्पीकर डाइस का घेराव। अपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म से ऐवान में आकर माफी मांगने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म का दिफा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बीजिंग म्यूनिसिपल कमेटी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं, लंदन जाने की इजाजत दी जाए और जमानत मुस्तकिल कर दे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त के साथ नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री भी मुंसलिक। पंजाब में नया बल्दियाती निजाम, लाहौर के अवामी नुमाइंदे हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। एहतजाज में डोंकी राजा ले आए, जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। मैं वजारत इतलात के अपने आप को काबिल नहीं समझता। फरदोस अवान जबरदस्त मिनिस्टर है, एक्सपीरियंस है, तो मैं इमरान खान के लिए गाय बा गाय जवाब देता रहता हूँ अगर कोई हो। बाकी वजारत चलाना तो अब फरदोस ऐवान साहब का काम। वजीर रेलवे शेख रशीद की जुबान फिसल गई, फरदोस आशिक अवान को साहिब कह दिया। अमन का जवाब लाशों से, भारतीय जेल में एक और पाकिस्तानी माहीगीर की जान चली गई। कराची के मोहम्मद सहेल को 2016 में भारतीय हुक्काम ने गिरफ्तार किया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की डेडलाइन खत्म। कराची के दारुल सैयद अस्पताल को सील ना किया जा सका। अस्पताल मालिक आमिर चिश्ती और शहजाद आलम की गिरफ्तारी के छापे। नन्नी निश्वा दुनिया से चली गई, मौत के जिम्मेदार आज भी आजाद। लाहौर में कराची तर्ज का स्ट्रीट क्राइम शुरू। इस्लामपुरा में हेलमेट पहने डाकू की दहशत, एक और शहरी से मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में घरेलू झगड़ा, नौजवान ने अपनी दो बहनों और बाप को कत्ल कर दिया, खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग की जद में आकर भाई जख्मी, अस्पताल में जेरे इलाज। मीरपुर मथेलों में बकरी बचाते हुए चार अफराद कुएं में डूब गए। तीन सगे भाइयों समेत चारों अफराद की लाशें निकाल ली गई। बरतानिया में 2 मई को लोकल इंतखाबात का दिन। वज़ीर आज़म ट्रेज़ा मे और अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन ने कमर कस ली। वज़ीर आज़म की बरी में कम्युनिटीज नुमाइंदगान से मुलाकातें। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन एशफील्ड में डोर टू डोर पॉलिसी बारे आगाह करते रहे। पंजाब के कई शहरों में तेज आंधी, बादल बरसे। इस्लामाबाद में दरख्त गिर गए, एक शख्स जहां बहाक, बिजली गायब रही। लाहौर, मरी, गुजरात, वजीराबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश।
लाल की नगरी में धमाल ही धमाल। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात जारी। जायरीन का चादर चढ़ाकर और धमाल डालकर मोहब्बत और अकीदत का इजहार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वहीद खान और आप देख रहे हैं रोक सको तो रोक लो। आपको खुशामदीद कहता हूं नाज़रीन। आज आप हमारे शो में देख सकेंगे नवाज शरीफ के दिमाग को खून क्यों नहीं पहुंच पा रहा, शेख रशीद ने कर दी हुकूमत से बगावत, कायम अली शाह के चोरी हुए बैग में क्या क्या था, नवाज शरीफ की शरियानों में क्या छुपा है, देखेंगे जवाब चाहिए में इफ्तिखार के साथ कौन होगा, देखेंगे लाला की अछूती रिपोर्ट, सिर्फ मेरे मुताबिक में देखेंगे तज्जिए, ब्लैक होल के बाद कायम अली शाह ने ढूंढा ब्लू होल, इसके अलावा शो में होगा और बहुत कुछ। रोक सको तो रोक लो। नाज़रीन खबर है कि मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के दिमाग को खून नहीं पहुंच रहा। वैसे नवाज शरीफ साहब आपका दिमाग रहता ही साथ में आसमान पे, खून पहुंचेगा कहां। बहरहाल नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे शो की जो मेहमान है बहुत ही शोख और चंचल तो नहीं है क्योंकि वो किसी और हवाले से मशहूर हैं, रिपोर्टिंग उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग और सख्त किस्म की है, लेकिन हमारे शो में आज वो अपना एक नया रूप लेकर आई हैं जो कि वो हैं, हम वो दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साना कवल, वेलकम मेरे शो में। वही बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारी को होस्ट फायका, और हमें ज्वाइन किया है फील्ड रिपोर्टर ने, हमारे साथ होंगे ख्वाजा आसिफ। अच्छा साइमा, अभी न्यूज मैंने पढ़ी मियां साहब के दिमाग को खून नहीं पहुंच रहा, क्या वजह लगती है? सिर्फ खून नहीं पहुंच रहा भाई, बहुत कुछ नहीं पहुंच रहा। और मेरे कार्ड की चाप जो है वो बड़ी सर, एक मिनट। नहीं, वो बात कर रही है, जवाब दे रही है। अच्छा, सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा खातून कर रही है, फिर कर सकती है। तो आपको क्या आदमी नजर आ रहा है वो? अरे दूर से आदमी पहचान आदमी की जो मेरी नजर ख्वाजा साहब की जितनी एज है वो उसमें वाकई दूर से तो औरत और आदमी तो बहुत दूर की बात है, जानवर और इंसान भी नहीं पहचाने जाते, नहीं पहचाने जाते। बहरहाल हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, क्या नहीं पहुंच रहा? बैठा हुआ वहाँ पे, क्या खुदा का वास्ता है पूछने ने उनसे क्या नहीं पहुंच रहा? देखिए बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो दिमाग को पहुंचनी चाहिए, सोच पहुंचनी चाहिए, थोड़े से हकायक पहुंचने चाहिए, लेकिन वो वही वाली बात कि सातवें आसमान पे जब दिमाग होता है तो बहुत कुछ नहीं पहुंच रहा होता। अच्छा वो सिर्फ मसला सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नहीं है, सुना है कि इमरान खान साहब का भी बहुत तवील कद है। नहीं वो अभी तो प्री मेच्योर ये कहना होगा कि अब मैं इनकी बात से जो है इत्तेफाक करता हूं। अब ठीक है, आप किसी और के कायद पे बात आई तो तब ठीक है, अब बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक बात है जो है वो मेरे कायद की इंतहाई डिप्रेशन में जो है वो आजकल जो है वो गुजर रहे हैं, मैं कहता हूँ वही वो बंदा इतना मासूम है उसकी मिसाल कई जो है वो मिलती नहीं है। अच्छा ख्वाजा साहब आप ये बताएं, आपने जो एक बार एक तारीखी अल्फाज बोले थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये कौन सी फिल्म का डायलॉग चुराया था आपने? भाई ये जो है वो मशहूर राइटर जो है वो ख्वाजा आसिफ ने अपनी किताब जो है वो मुझे क्यों निकाला में जो है वो उसमें लिखे थे। और मैं आपको बताऊँ इसके जो राइटर है आपके बराबर में जो है ये हसीन जमील जो है वो मौजूद है, ये मेरे खुद के जो है वो अल्फाज। अच्छा ये आपकी जो गैस बैठी है ना, बात इन्होंने कोक स्टूडियो में क्या गाना गाया था। पहले तो इसकी तसी करता चलूं, गैस नहीं बैठी हुई है, गेस्ट बैठी हुई है। गेस्ट बैठी जो है वो उनका जो मैंने गाना सुना था वो आफरी आफरी वो बेहतरीन साहब, ये वो नहीं है, क्या हो गया आपको? अच्छा इनका ड्रामा फिर बेहतरीन था। खतर से कौन सा ड्रामा, ये रिपोर्टर है, ये एंकर है। ओ यार मैं टेंशन में, मुझे बड़ी टेंशन, खतरनाक शो है, यकीन जाने बचे रहा करें कहीं छापा ना मार दें। ओके ओके ओके। अच्छा साइमा आप खतरनाक किस्म की आप रिपोर्टिंग करती हैं, अपना शो करती हैं, बहुत से मसाइल भी आते हैं, कोई एक आध ऐसा वाकया हो गया कि यार ये नहीं होना चाहिए था, यार ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? बहुत से ऐसे हुए, सिर्फ एक वाकये को कहा जा रहा होता है वो कुछ भी नहीं था, इससे ज्यादा वाकयात हो चुके हैं, लेकिन वो जाहिर है सोशल मीडिया पे सबने देखा है, बहुत सारे क्लिप्स आपके मौजूद हैं, बहुत सारे वाकयात और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये बिल्कुल वायरल हुआ था जिस वाकये का ये जिक्र कर रही है, बहुत मशहूर हुआ था,
سو بہرحال آپ خود بتا دیا میں نے پوچھا اور بڑی اچھی ہیں آپ بتا دیتی ہیں کھانے کی ریسیپیز بھی بتا دیتی ہیں بات کرتے کرتے کہ بھائی اتنے چمچ جو ہے اس میں نمک ڈالا ہے خواجہ صاحب یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اچھا یہ شیف گلزار نہیں ہے یار خدا کا واسطہ شیف گلزار اور ان میں فرق نہیں معلوم ہو رہا آپ کو کہ 19-20 کا ہی ہوگا خیر 19-20 کا مطلب آپ کو گینڈے میں اور ہرن میں فرق نہیں معلوم 44-45 ہوگا یار اور کیا جان لوگی کیا میں اٹھ کے چلا جاؤں یار ہر چیز میں